जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के पांच प्रश्न, और इन पांचों प्रश्नों को आपको हम दो तरीके से बना के दिखाएंगे। एक जो ट्रेडिशनल मेथड है जो पुस्तकों में दिया जाता है, दूसरा जो हमारा मेथड है जो हम बनाते हैं। कभी कभी आप लॉजिक में मेथड बोल सकते हैं, शॉर्ट मेथड बोल सकते हैं, या प्रोसेस से बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पे बना के दिखाएंगे, देखेगा किस प्रकार से आपको किसमें अच्छा सुविधा मिल रहा है। पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक शहर की जो जनसंख्या है 2010 के अंत में कितना था? 20,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 2 लाख था, ठीक है। 2012 के अंत में क्या हो जाता है? ये 2,64,000 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 2 साल में 2 लाख से 2,64,000 हो जाता है, ठीक है। यदि 2011 और 12 की जनसंख्या में वृद्धि दर एक्स और 2x प्रतिशत है, तब x का मान क्या होगा? इस प्रश्न को हम आपको बताएंगे कि आप क्या करिए, इस प्रश्न को केवल और केवल बाय ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत जल्दी आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 2 लाख, ठीक है, 2 लाख जनसंख्या था। अब 2 लाख पर x मानते हैं और 2x, ठीक है। तो कोई भी एक हम ले लेते हैं, ठीक है। मान लेता हूँ मैं बाय ऑप्शन एक्स को 10 को उठा रहा हूँ, तो पहला साल कितना हो जाएगा? ये एक्स हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि वृद्धि है तो मैं सीधा यहाँ पे 110 लिख लेता हूँ। वृद्धि है तो 100 में जोड़ के 110 ले लिया, नीचे लिख लिया 100, ठीक है। उसके बाद दूसरे साल जाऊँगा तो 2x हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा, तो इसको मैं 120 लिखूंगा, उसके बाद 100, ठीक है। ये ऑप्शन है ना, बाय ऑप्शन आप ऐसे ही चेक कीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना जीरो है? नीचे 4 जीरो है, तो नीचे 4, ऊपर से भी 4 जीरो काट दीजिए। ये हो जाएगा आपका 1 2, 4 जीरो कट गया। 12 और 11 को गुना करते हैं तो हमको मिलता है 132, और 132 को 2000 में गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 32 दूनी कितना हो जाए? 132 दूनी होता है 264, तो ये हो जाएगा 264 और 3 टाइम 0। देखिए 2 साल बाद हमारी जनसंख्या आ गई 2,64,000, मतलब हमारा बाय ऑप्शन 10 सही है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि बाय 10 ही होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है, आप बहुत जल्दी जल्दी पता कर सकते हो। दूसरी बात है ना, बहुत जल्दी आप पता कर सकते हो कि कितना इसका आंसर होने वाला होगा, ठीक है। कितना आंसर होने वाला होगा आपको बहुत जल्दी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे 8 रख के भी देख सकते हैं, 20 रख के भी देख सकते हैं। चलो हम 8 रख के देखते हैं, ठीक है, या 20 ही रख के देख लेते हैं। तो 20 रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 लाख, ये 2 लाख हो गया, ठीक है, 2 लाख। 20 रखेंगे तो एक बार में 120% हो जाएगा और 00, ठीक है। 20 का 2 गुना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 140, ठीक है। 00 से 00 कट गया, यहाँ 00 से ये 00 कट गया। 12 और 14 को गुना कीजिए, 12 और 14 को गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 168 आ जाएगा, और इधर बचा है हमारे पास 2000। अब देखिए 168 का फिर से डबल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 264 से ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन उत्तर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आप फास्ट तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको पुस्तक में कैसे बनाया गया, ध्यान से देखिएगा ना, और आप कंपेयर कीजिएगा कि आपको कौन सा सही लग रहा है बनाने में, ठीक है। पुस्तक में कैसे बनाया है, अब इसको आप ध्यान से देखते जाएगा। अब सबसे पहले हमारे पास होता है मिश्र धन का एक सूत्र होता है। मिश्र धन को मैं ए लिखता हूँ, ठीक है, और ये हमारा हो गया मूलधन। उसके बाद जो बुकों में है ना तरीका बता रहा हूँ, 1 प्लस एक्स, ठीक है, बटा 100, ठीक है। और अगले साल फिर से क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा, तो 1 प्लस 2x बटा 100। इस प्रकार से ये 2 साल का हमने निकाल लिया, क्योंकि 2 साल अलग अलग, इसलिए हमने 2 साल का अलग निकाला। ए कितना है हमारे पास? ए कितना है हमारे पास? ए मतलब ये देखिए बढ़ा वाला वैल्यू, तो ए मतलब मिश्र धन, बढ़ा वाला वैल्यू कितना है? 2,64,000, ठीक है। पी कितना है? पी मतलब हमारा मूलधन कह दीजिए, या फिर जो प्राइमरी स्टेट के जो मतलब जो स्टार्टिंग का जो वैल्यू है वो कितना है? 2 लाख है। कितना हो गया आपका? 2 लाख हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 2 लाख, ठीक है, 6 5 0। अब आगे का आप जो कहते हो लिख लीजिए, 1 प्लस x बटा 100 और 1 प्लस 2x बटा 100, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो हम यहाँ से काट सकते हैं। अब 4 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 4 से काटते थे ना, या फिर 4 से काटते हैं तो ये आपका कट जाएगा 66 बार में कटेगा, और ये कटेगा 50 बार में, तो ये 50 बार हो गया। बचा क्या हमारे पास? 1 प्लस, या फिर इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस
हंड्रेड हो जाएगा, है ना, हो जाएगा आपका 100 प्लस एक्स बटा 100, ठीक है। उसी प्रकार ये भी हो जाएगा 100 प्लस, है ना, ये हो जाएगा 2x बटा 100 इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब इसको जस्ट पक्षांतर कर देते हैं, क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो जो नीचे ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा। ये सेट 66 है, 66 के नीचे ये आई वाला 100 और इस 100, दोनों 100 को ऊपर करेंगे तो ये दोनों 100 चला जाएगा ऊपर, और 50 एक साइड है तो 50 आ जाएगा डाउन में, ये हो गया, ठीक है। अंदर क्या बचा हमारे पास, 100 प्लस एक्स और 100 प्लस 2x, ठीक है, यही बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व कर देते हैं तो ये आपका कट जाएगा 50 एकम 50, 50 दूना 100, ठीक है, 200 और 66 को गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 13,200, ठीक है, 13,200। अब 100 को गुना आप अंदर करते जाइएगा, 100 को गुना 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 प्लस 100 को गुना एक्स 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा 200x हो जाएगा, ठीक है, 200x हो जाएगा, प्लस इस x गुना 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, ठीक है, और x गुना 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है ये देखिए, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 13,000 है, 10,000 में 13,000 को हम माइनस कर रहे हैं ना, देखिए काट नहीं रहे, याद रखिएगा मैं पक्षांतर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लाइन और बढ़ जाएगा, मैं काट नहीं रहा हूँ, इसको पक्षांतर कर रहा हूँ, तो पक्षांतर करने पर 10,000 में 13,000 माइनस हो जाएगा तो 3,200 आ जाएगा। इस साइड क्या बचेगा, इस साइड को हम लिख लेते हैं, सजा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 100x प्लस, सॉरी ये 200x पहले लिख सकते, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा आप 200 300, ये 300x हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 300x हो जाएगा, ठीक है। अब दो से और काट सकते हैं क्या, सभी को यहाँ से दो से काटेंगे, सभी को दो से काट देते हैं तो दो से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3200, जो x दिख रहा है वो आपको दिख जाएगा 1600, ठीक है, दो से काटें, दो से इसको काटेंगे तो केवल एक्स बच, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, दो से काटें तो 300 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 150x प्लस, ठीक है, उसके बाद आगे हमारा 100 को काटेंगे तो हो जाएगा 50, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सभी को एक सेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, क्या इक्वेशन बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, सॉरी यहाँ पे कोई एक हमको डिफरेंस है, ये एक हमने एक्स्ट्रा लिख लिया है क्योंकि इसको तो मैंने जोड़ दिया है, ठीक है, ये 200x और 100x जोड़ दो 300x हो गया, तो ये 200x ही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1600, ठीक है, बराबर, इसको आप जीरो के बराबर रख लीजिए, हो गया जीरो के बराबर, क्योंकि ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब वैसी संख्या देखिए जो 1600 हो, है ना, जोड़ या घटाने पर 150 आए और गुणा करने पर 1600 आए, ये लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 160x माइनस, ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस 1600 बराबर जीरो, ठीक है। 160 और 10 को गुना करेंगे तो 1600 आ जाएगा, 160 में 10 माइनस करेंगे तो 150x आ जाएगा और प्लस वाला आएगा, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। चलिए अब अगला क्या हो जाएगा, हम x बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से x बाहर निकालेंगे तो x प्लस बच जाएगा यहाँ पे 160 बचेगा, उसके बाद माइनस 10 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, माइनस 10 निकलेगा क्या, ठीक है, माइनस 10 यहाँ से निकल जाएगा, माइनस 10 यहाँ से निकलेगा तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 160, ठीक है। अब आपको पता है x के जो x के साथ प्लस में है वो माइनस हो जाता है, और x के साथ जो माइनस में है वो प्लस रहता है, तो हम जो माइनस वाला वैल्यू आएगी, मतलब ऐसा होता है x प्लस, अब आपको करना है 160 इज इक्वल टू जीरो के बराबर होगा, जब 160 को पक्षांतर करेंगे तो 160 हो जाएगा, ठीक है, जो हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास x माइनस 10 है, यदि x को अगर इस प्रकार से देख ही लीजिए, x माइनस 10 है बराबर जीरो के बराबर है, 10 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 10 हो जाएगा, क्योंकि यही x की वैल्यू हमको पूछा गया था। देखिए अब आप तय कीजिए कि आपको कौन सा वाला मेथड बनाना है, जो मैं बताया हुआ वाला बताना है कि जो बुक में दिया गया है वो फॉलो करना है, तो कोई में से भी आप एक फॉलो करके एग्जाम में बना सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, यदि आप एग्जाम पास करना चाहते हो, यदि आप एग्जाम पास करना चाहते हो तो इस मेथड को अवॉइड कीजिए, है ना। लगभग मुझे भी बनाने में इसको 5 मिनट लग गया, मुझे भी बनाने में 5 मिनट से ऊपर लग गया इसको, तो बताइए आप कैसे करोगे।
ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि बाय ऑप्शन बनाए या फिर हम जो तरीका बताते हैं उसको फॉलो कीजिए। अगला प्रश्न, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपये की जो धनराशि है 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 24 वर्ष बाद कितनी होगी। सबसे पहले हम हमारा तरीका अपनाते हैं, उसके बाद हम आप वाला तरीका बता देंगे जो बुक वाला तरीका है। ये हो गया वाई, वाई मतलब ईयर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको गुना बोलते हैं, और याद रखिए गुना हमेशा घात में वाला रहेगा। ठीक है, क्या कहा गया है, 6 वर्ष में 2 गुना, तो ये 6 साल हो गया और ये 2 गुना हो गया, इतना ही कहा गया है। तो कहा गया कि तो 24 वर्ष बाद कितना गुना होगा, वर्ष कहाँ पे है 24। ठीक है, अब वास्तविक में 24 लिखा कैसा गया है, 6 से कैसे लिखा गया होगा, तो 6 गुना 4 लिखा गया, 6 चौके 24, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी 4 को हम क्या करना है, देखिए इसी 4 को इस 2 के पावर में ले आइए, 4 को हमने 2 के पावर में लाया तो वो हो गया 2 के पावर होता है 16, तो कितना गुना हो जाएगा 16 गुना। इसका मतलब ये है कि हमको केवल वैल्यू का 16 गुना निकालना है, 16 गुना निकालेंगे तो ये हो जाएगा 00 पहले से 16 × 5 = 80, ये हो जाएगा 8000 रुपये, कितना हो जाएगा 8000 रुपये इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रश्न को आप बुक में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए मैं कुछ चीज़ें बुक से शॉर्टकट भी कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको हम बुक में बनाएंगे तो कैसे, बुक के माध्यम से या फिर इक्वेशन लगा के सूत्र लगा के बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको भी देख लीजिए। हमारे पास एक सूत्र होता है मिश्र धन का, ए बराबर, ए मतलब होता है अमाउंट और पी मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल बोलते हैं 1 + R/100 और ये हो जाएगा एन। ठीक है, पहली बार चलते हैं, पहले ये बोला गया है कि दर हमारे पास 500 है और वो दुगुना हो जाता है 6 साल में, जब 500 दुगुना हो जाएगा तो 1000 होगा, तो ए की वैल्यू मैं 1000 लिख देता हूँ। ठीक है, पी की वैल्यू 500 लिख देता हूँ, 1 + R तो पता नहीं है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, 1 हाँ एन मतलब वर्ष लिखना है यहाँ पे, तो एन हमारे पास 6 साल हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 500 से 1-2 बार में चला जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 1 + R/100 बट घात में 6, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 मान लीजिए, अब हम समीकरण अब अगला टाइप के पास करते हैं, तो कहा गया है कि तो 24 वर्ष बाद कितनी वर्ष कितनी हो जाएगी राशि, कितना हो जाएगा हमको तो पता नहीं है, तो ए लिख दीजिए, है ना। फिर उसी इक्वेशन में मान रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, 1 + R/100। ठीक है, और कितना साल कहा गया है, अब कहा गया है 24 साल कहा गया, तो इसको 24 साल लिख लेंगे। अब देखिए इस 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, ठीक है, इस 24 को हम कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, ये तो 500 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 + R/100। 24 को कैसे लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 6 चौके 24 लिख सकते हैं क्या, तो 6 अंदर लिख लीजिए पूरा का कॉमन, पूरा ब्रैकेट लगाइए और 4 बाहर कर दीजिए, तो 6 चौके 24 हो गया। अब देखिए 1 + R/100 के घात 6, 1 + R/100 घात के 6, समीकरण नंबर 1 में इसका वैल्यू आया है 2, तो 500 करेंगे, 500 गुना ये 2 है और 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो 16 गुना है आपके पास 500, बराबर हो जाएगा आपके पास 16 × 5 = 80, इस प्रकार से। तो आंसर आपका यही है, इसमें से भी आपको जो भी अच्छा लगे, जैसा आपको अच्छा लगे उसको बना लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप हमारा तरीका उपयोग करें ताकि आप आसानी से प्रश्न को बना सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 2800 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा तरीका, उसके बाद आपका तरीका हम इसमें देख लेंगे, आप मतलब बुक का तरीका देखेंगे जो बुक में दिया जाता है। इससे पहले वीडियो में मैंने बता दिया है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, तो इसका 2 साल का होता है 2R/R². ठीक है, तो 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 144 हो जाएगा, 2 डिजिट को छोड़कर 1 को पक्षांतर कर दीजिए तो 1 में 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25.44%, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का एक सूत्र निकल गया, रेशियो आर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसी हमको तो केवल ब्याज पूछा है ना, ब्याज पूछा है तो इसी 2800 में, ठीक है, 25.44 का क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, तो 100 हमने क्यों लगाया, क्योंकि प्रतिशत था, और यदि इस पॉइंट को हटाना है या नहीं भी हटाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 00 से ये 00 काट दीजिए और 28 और 25.44 को गुना कीजिए,
ठीक है, 28 और 25 और 4 को गुणा कीजिए। अब आप इसको यूनिट डिजिट से भी बना सकते हो, देखिए सबके यूनिट डिजिट में यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है और यहाँ 2 है, ठीक है। तो देखते हैं 8 चौके 32, यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है और 2 हमारे केवल हमारे पास 712 है, 712.32 है और किसी में नहीं है यूनिट डिजिट 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया मात्र ले दे के 3 लाइन में, ठीक है। अब बुक में जो दिया जाता है वो वाला हम अपना कर देखते हैं कि बुक में जो बनाया गया है यदि हम उससे बनाएं तब इस प्रश्न को कैसे बना पाएंगे, देखिएगा बुक में जो दिया गया है, ठीक है। अब बुक के हिसाब से चल रहे हैं ना, हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र तो आपको पता होगा, वो मैं लास्ट में बता दूंगा, पहले हम एक इक्वेशन लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे जो मिश्रधन का सूत्र है। इसका मतलब होता है ए पी 1 प्लस आर बटा 100 और ये एल, ठीक है। ए पहले निकाल लेते हैं फिर उसमें पी माइनस करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। पी हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 2800, ठीक है। 1 प्लस आर कितना है, आर है 12% बटा 100 और ये हो गया एन, कितना एन दिया गया, एन तो 2 साल दिया गया है, ठीक है। ये हो गया आपका 2800, ठीक है। 12 और इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 4 से कटेगा क्या, 4 × 12 = 25 है ना, तो ये हो गया 3/25 हो जाएगा, कितना 3/25 हो जाएगा। 3/25 को और सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 और 3 = 28, तो ये हो जाएगा आपका 28/25 और ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है ये देखिए, ये आपको ऐसा करना है 2800 गुना 28/25 गुना 28/25, ठीक है 28/25। अब इसको सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, पूरा चला जाएगा 12 बार में, ठीक है पूरा चला जाएगा 12 बार में। उसके बाद आप 12 28 28 और 25, ठीक है, मतलब अगले इक्वेशन आपके पास क्या आ गया, 12 28 28 बटा 25। इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा, मैं सॉल्व करके देख लिया हूँ, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3512.32, ठीक है 12.32 आ जाएगा। तो ये हमारा ए निकला है और सी आई निकालने के लिए हमारे पास रहता है ए माइनस पी होता है, ठीक है। तो 35/12.32 में आपको 2800 माइनस करना है, माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा यही 712.32, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। अब इसमें से भी आपको जो तरीका हो लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न, एक धनराशि एक वर्ष के लिए 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया, ठीक है उधार दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक होने पर, ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक होने पर ब्याज जो है 324 रुपया बढ़ जाता है, उधार दी गई धनराशि क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिक मेथड से बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा। सबसे पहला ये है कि एक साल की बात किया गया ना, तो एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी इतना ही होगा, तो एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 18%। लेकिन अब कह रहा है कि हम ब्याज को सालाना ना लेके हर 6 महीने में लेंगे तो ब्याज भी आधा हो जाएगा, दर भी आधा हो जाएगा, तो 9% हो जाएगा, ठीक है। अगर आधा होगा तो 9% हो जाएगा, ठीक है तो 9% हो जाएगा। लेकिन अब दो बार देना पड़ेगा ना 9%, अब दो बार देना पड़ेगा 9%, तो हम दो बार के लिए हमारे सॉरी ये तो 9 रहेगा ही, अब प्रत्येक 6 महीने में 9% देना पड़ेगा, ठीक है। तो साल में कितना देना होगा, 9 × 18 मत कर दीजिएगा, इसको 2r/r² में ले लीजिए, 2r हो जाएगा 9 × 18 और ये हो जाएगा 9 × 81 पॉइंट लगा के, तो ये हो जाएगा देखिए। तो यदि हम वार्षिक लेते हैं तो हमको 18% ब्याज मिलता है और उसी को यदि हम छमाही लेते हैं तो 18.81% ब्याज मिलता है। इसका मतलब अंतर कितना है, अंतर केवल इसका है, अंतर कितना है केवल इसका है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, अंतर ही है, या फिर मैंने आपको एक और तरीका बताया था r² / 100, ये भी बताया था। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेकंड साल में आर स्क्वायर, हाँ लेकिन आप यहाँ आर स्क्वायर नहीं लगा पाओगे, ठीक है यहाँ आप आर स्क्वायर नहीं लगा पाओगे क्योंकि यहाँ पे आर आधा करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप प्रोसेस से बनाते जाइए इसको, ठीक है। तो अंतर हमको कितना मिला, 81.081% हमको ब्याज मिलने वाला है और ये अंतर की ब्याज है और हमको अंतर का ही वैल्यू दिया गया है 324 रुपया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम पहले फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, ये पॉइंट है, सबसे पहला प्रतिशत है तो नीचे 2 जीरो तो लगेगा ही लगेगा, अब इस पॉइंट की वजह से 2 जीरो और लग जाएगा,
ठीक है, और ये किसके बराबर है, तो हमारे ये 324 के बराबर है। 81 से काटेंगे तो ये चार बार में कटेगा, और ये डबल 4 टाइम 0 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4000, मतलब एक की वैल्यू आ गई, या फिर अब धनराशि की वैल्यू कितनी आ गई, कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000 40000, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए अब जो बुक में जो दिया गया है उसके हिसाब से अगर इसको बना के देखते हैं तब कैसा होता है ये भी देखिएगा, बुक के हिसाब से अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। माना हमारे पास धन कितना है, धन हम x मान लेते हैं, ठीक है, धन हमारे पास x है, ठीक है, धन x है तो CI कितना मिल रहा है, इस पर हमको मिला है 18%, मतलब 18x बराबर 100, ठीक है, हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर 50, ठीक है, ये एक साल में यदि मिलता है तब। अब इसी को यदि आधा कर दिया गया है, ठीक है, अब क्या किया गया है, इसी को आधा कर दिया गया है, आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18/2 करेंगे तो 9% आ जाएगा, ठीक है, 18/2 करेंगे तो ये आधा है या फिर 6 माही है, ठीक है, आधा है या फिर 6 माही है। अब इसका CA क्या होगा, देखिए अब इसके लिए हमको इसको फार्मूला में लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हाफ वाला है, इसको हम इसके लिए हमको इसको फार्मूला में लगाना पड़ेगा, ठीक है, फार्मूला में लगाने का तो CI का मतलब क्या होता है, CI का मतलब होता है A माइनस P, और P की जगह हमने X माना है, ठीक है, चलिए CI निकालते हैं। CI निकालेंगे तो सबसे पहले A का सूत्र क्या होता है, A का सूत्र होता है हमारे पास P1 प्लस R बटा 100, ऐसी होता है ना, तो हमारे पास P तो हमें माना है X, 1 प्लस R की वैल्यू फिलहाल यहाँ पे 9 है, 9/100 कीजिए, ठीक है, और कितने बार देना है, देखिए यहाँ पे हमेशा आपका साल नहीं रहता, कितने बार आप पेड कर रहे हैं वो हमको यहाँ एन की जगह लिखना होता है, तो हम दो बार पेड करेंगे, साल में 2 बार 6 माही होता है तो 2 बार पेड करेंगे। माइनस करेंगे एक्स, क्योंकि ये CI का वैल्यू है, मतलब CI कब आएगा, जब हम मिश्रधन में मूलधन को माइनस करेंगे, तो एक्स कहाँ से आया डाउट मत कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स, 100 प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 109/100 और हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करेंगे तो 109 को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11881 एक्स 9 का, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 4 टाइम 0 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स। अब हम इस माइनस एक्स से यदि माइनस करना चाहते हैं, इस एक्स को यदि हम माइनस करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, एक्स को माइनस करेंगे, ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10000, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा 1881 एक्स, ठीक है, माइनस ये ऊपर चला जाएगा 4, ठीक है, अब इसको अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस कर जीरो की संख्या देख लीजिएगा ना, 1181 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000 1x, ठीक है, अब इसको यदि हम माइनस करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से 881x/1 4 टाइम 0, ये इतना मिलेगा, ठीक है। अब अगला पक्ष रखते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, क्या हो गया, समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 1 कहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर में, ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं कहाँ लिखूँ, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा भर गया है कि अब मुझे लिखने के लिए जगह नहीं, तो मैं थोड़ा जगह बनाता हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है, अब हमारे पास जगह बन चुका है, अब हम अगले पेज में लिखते हैं, अगले पेज में अब अंतर की बात लिखेंगे, ठीक है, अभी तक हमने पूरा हमने रेशियो निकाल लिया, मतलब दर निकाल लिया, अब दर के साथ अंतर के साथ खेलेंगे, ये हो गया 1881x/10000 माइनस, पहले मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 को हम माइनस कर रहे हैं, ये 9x/50 बराबर हो जाएगा, ये 324 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 324 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस 9x को पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 181x/10000 बराबर 324 माइनस 9x, सॉरी प्लस में आ जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले सेकंड इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं लिख नहीं रहा, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, तो 50 को हम क्या किए, हमने एलसीएम ले लिया, 50 को एलसीएम लिए तो 50 और 324 को गुना करेंगे, 50 324 को गुना करने पर हमको मिल जाएगा 16
16,200 मिल जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9x। अब देखिए इस 50 से क्या इसको काट सकते हैं क्या, ठीक है, इस 50 से इसको काट सकते हैं। तो 50 से काटेंगे तो ये एक बार में कटेगा और ये कटेगा पूरा 200 बार में। तो अगला स्टेप क्या लिखना है, 181x बटा 200 बराबर अगला हो जाएगा आपका 9x, सॉरी ये हो जाएगा आपका 9x प्लस 16,200, ठीक है, 16,200। x की वैल्यू यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, 200 को पक्षांतर कर देते हैं, 200 को पक्षांतर करेंगे तो 181x बराबर 200 को पक्षांतर करेंगे तो गुना हो जाएगा, तो 9 दूनी हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 1800 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 1800x प्लस, ठीक है, ये 1800x हो गया। अब इसको साथ ये 16,200 को गुना करें तो फिलहाल गुना के रूप में ऐसे रखे रहिए, ठीक है, फिलहाल ऐसे रखिए। अब क्या करेंगे, ये 1800 है, ये 1881 है, अब इसका अंतर निकालते हैं। 1881 में 1800 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81x बराबर, ठीक है, 81x बराबर ये हो जाएगा आपका 16,200 गुना 200, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू निकालनी है तो 81 से ये कितने बार में कट जाएगा, 81 से 162 जो है चार बार में कट जाता है, कितने बार में कट जाएगा, चार बार में कट जाएगा, सॉरी चार बार दो बार में कट जाएगा, 8 × 16 होते हैं ना, तो दो बार में कटेगा, दो बार में कटेगा, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा और यहाँ भी 200 आ जाएगा, दोनों गुना करेंगे तो 2 × 4 और ये 4 0 लग जाएगा, 40,000, 1,000, 10,000, 40,000, ठीक है। तो आप इस तरीके से बनाओगे तो ऐसा भी आप आंसर लगा सकते हो, या फिर हमारे तरीके से बनाओगे तो तीन लाइन में आंसर ला सकते हो, कि जो आपको सही लगे वो बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, आज का ये लास्ट प्रश्न है, इस पर चर्चा करते हैं, और इसको मैं दो तरीके से बना के भी बताऊँगा, क्योंकि लिखते लिखते मेरा हाथ थक गया है, मैं इसको केवल शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको इसका लॉन्ग मेथड चाहिए तो बुक में देख लीजिएगा, बुक में आपको मिल जाएगा, मैं इसका शॉर्टकट मेथड बना रहा हूँ। चलिए, यदि एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ईयर और यहाँ पे लिखते हैं मल्टीपल और जो घात के रूप में रहता है, ठीक है। तो कितने साल में, 3 साल में 2 गुना, ठीक है, तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज से वो कितने साल में 16 गुना हो जाएगा, तो ये 16 गुना है, ठीक है। चूंकि अब इसको मैं 16 को घात के रूप में कैसे लिखूंगा, 2 को घात कैसे लिखूंगा, ठीक है, यदि इसको हम घात के रूप में लिखेंगे तो कैसे, और याद रखना 2 की घात में लिखना है, तो वो 2 की घात में लिखेंगे तो 4। अब इसी 4 को इस 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है, कि हो जाएगा 4 × 3 = 12, ये हो जाएगा 12 वर्ष में। यदि आप इसको प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो मैं बाद बताऊंगा, लिखते लिखते मेरा हाथ थक चुका है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप बताइएगा कि आपको आगे किस मेथड से पढ़ना है, लॉन्ग मेथड से जो बुक में दिया है कि हमारे मेथड से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।